आज हम वनीला आइसक्रीम बनाएंगे। ये आइसक्रीम बहुत ही कम सामान में और बहुत ही इजीली बन जाती है। तो चलिए हम आइसक्रीम बनाते हैं। वनीला आइसक्रीम बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1/2 लीटर ये फुल क्रीम दूध लिया है और मैं इसको अब उबालूंगी। हमारा दूध उबल गया है तो अब इसमें हम 5 चम्मच शुगर मिला लेंगे। शुगर को कम या ज़्यादा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। और हम इसको एक बार फिर से अच्छे से उबालेंगे। हमारा दूध अब अच्छे से उबल गया है तो अब हम इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे। ये मैंने 1.5 चम्मच कॉर्नफ्लोर को पानी में इस तरह से घोल लिया है और हम इसको थोड़ा थोड़ा ही दूध में डालकर उसको इस तरह से बार बार हिलाएंगे। देखिए इस तरह से पचा हुआ कॉर्नफ्लोर भी हम इसमें ऐड कर देंगे और अब इसे 5 से 7 मिनट तक इसी तरह पकाएंगे। 5 मिनट करीबन हो गए हैं और ये देखिए ये पेस्ट अच्छे से पक भी गया है। तो अब हम फ्लेम ऑफ करके इसको पूरी तरह से ठंडा होने देंगे। हमारी आइसक्रीम अब देखिए ये आधी से ज़्यादा जम गई है तो हम इसे बीटर की हेल्प से बीट करेंगे। हम इसको 5 मिनट तक बीटर से चलाएंगे। ये देखिए हमारी आइसक्रीम का टेक्सचर कितना स्मूथ हो गया है। अब हम इसमें 8 से 10 बूंद वनीला एसेंस की डालेंगे। देखिए आप ये वाला वनीला एसेंस यूज़ कर सकते हैं। हम एक बार फिर से 5 मिनट के लिए अपनी आइसक्रीम को फेंटेंगे। आइसक्रीम को 5 मिनट और चला लिया है। ये देखिए आप इसकी क्वांटिटी अब दुगनी हो गई है और ये बहुत अच्छे से स्मूथ भी हो चुकी है। अब हम अपनी आइसक्रीम को आइसक्रीम मोल्ड में डालेंगे और सिल्वर फॉइल से ढककर हम इसको 5-6 घंटे के लिए फ्रीजर में रख देंगे। ये हमारी वनीला आइसक्रीम अब बनकर तैयार हो गई है। अब मैं आपको ये निकाल के दिखाती हूँ कि ये कितनी क्रीमी बनी है। ये देखिए ये बहुत ही ज़्यादा स्मूथ और क्रीमी बनी है। तो अब मैं आपको ये सर्व करके दिखाती हूँ। हमारी वनीला आइसक्रीम अब खाने के लिए तैयार है। आप इसको टूटी फूटी या फिर चॉकलेट सिरप किसी से भी गार्निश करके सर्व कर सकते हैं। थैंक यू।